भारत को विश्व गुरु बनाने व बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों, धर्मों, समुदायों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर शिमला जिला के रामपुर में आरएसएस के द्वारा सद्भावना विभाग की सौजन्य से एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी मत पंथों के लोगों ने भाग लिया। भारत को विश्व गुरु बनाने व बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के सभी वर्ग, धर्म, समुदाय को जोड़ने के प्रयास आरसी द्वारा तेज कर दिए गए हैं। इसी उद्देश्य के साथ शिमला जिला के रामपुर के आरएसएस के सद्भावना विभाग द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मत और पंथों के लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रांत के पहले सद्भावन सम्मेलन में एक मंच पर सभी के इकट्ठा होने पर लोगों ने इसकी सराहना भी की। इस सद्भाव सम्मेलन में राधा स्वामी, श्री श्री रविशंकर, ब्रह्म कुमारी, अम्बेडकर सभा, संत निरंकारी, ब्राह्मण सभा, छोश कॉर्लिंग बौद्ध और देव समाज के लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि उद्देश्य एक है तो फिर सब मिलकर क्यों आगे नहीं बढ़ते। सभी वक्ताओं ने समाज को जोड़ने, देश की विविधता को बनाए रखने व भारत संस्कृति को बचाने की बात कही। उन्होंने समाज में बढ़ रही कुरूतियों को खत्म करने के लिए आपसी सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया। सभी वक्ताओं ने आरएसएस द्वारा बिखरे हुए सभी पंथों को एक साथ लाने के प्रयास की सराहना की। मुख्य वक्ताओं में वीरेंद्र सिपहिया, प्रांत कार्यकारी सदस्य, प्रदीप वैद्य, प्रांत सद्भावन प्रमुख ने भी, आरएसएस के विभाग प्रचारक प्रताप समलव्याल आदि ने देश की वैभवता बनाए रखने और भारत को विश्व गुरु बनाने पर आपसी सद्भावना पर बल दिया। सद्भावना सम्मेलन के प्रमुख प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आरएसएस ने विभिन्न मत व पंथ समुदाय के मुखियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है और इसका उद्देश्य समाज जो बट रहा है उसके विघटन को बचाना है। इसके लिए सभी लोग मिलकर काम करें ताकि सारे भारतवासी देश को परम वैभव तक पहुंचा सकें और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विभिन्न मत पंथ संप्रदाय सभी के मुखियाओं को एक मंच पर लाया गया। इसका उद्देश्य ये है, जो हमारा समाज बटा हुआ है वो समाज का विघटन ना हो, हमारी संस्कृति और हमारे जितने भी जन हैं वो एक उद्देश्य को लेकर साथ मिलकर के कार्य करें। उद्देश्य है भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, विश्व गुरु बनाना। भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम सारे भारतवासी, चाहे अनेक मतों और पंथों में हैं, इकट्ठे होकर के भारत के विकास के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विभाग सामाजिक सद्भाव ने आज इसका आयोजन किया। डॉक्टर नवीन मोक्टा ने बताया कि रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में सर्वपंथ सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग पंथ और संप्रदाय के विचार सुने और एक राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर काम करने पर विचार किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अलग अलग मत पंथ और संप्रदाय के लोगों का उद्देश्य एक है तो फिर मिलकर आगे बढ़ना बेहतर है। इस दौरान करीब 20 संगठन के लोग इस सम्मेलन में मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज रामपुर विभाग के अंतर्गत सत्यनारायण मंदिर में सर्वपंथ सद्भाव सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि अलग अलग जो पंथ संप्रदाय है उनके विचारों को सुनना और एक राष्ट्र का निर्माण करना। विशेषकर जिस तरह से हमारे समाज में भ्रांतियाँ है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमेशा से ही 1925 से लेकर आज तक हमेशा जो है समाज को एक करने की बात कर रहा है।